परमेश्वर कैसा है, जो परमेश्वर की उपासना करता है, जो परमेश्वर का उपासक है, परमेश्वर उसको क्या देता है? वेद के मंत्र में बताया, प्रेतनासु एभ्य कारम चकर्थ। प्रेतना कहते हैं संग्राम को, इसका अर्थ किया है जो देवासुर संग्राम होता है, बाहर भी असुरों का विनाश किया जाता है और हमारे अंदर भी असुर होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि के रूप में। तो परमेश्वर इन बाहर के और अंदर के देवासुर संग्रामों में जो उसके उपासक होते हैं उनको नई नई क्रिया शक्ति, नया नया विचार देता है, अंदर के शत्रुओं को भी परास्त करने के लिए विशेष विचार और उसका उपयोग कैसे करना है वो परमेश्वर देता है। इसके विपरीत जो परमेश्वर के उपासक नहीं हैं उनको ऐसी क्रिया शक्ति, बाहर किस प्रकार से क्रियाएं करनी है शत्रुओं को जीतने के लिए, और अंदर आंतरिक क्रिया, आंतरिक विचार चिंतन कैसे करना है, वो ईश्वर की उपासना से रहित मनुष्यों को प्राप्त नहीं होते। तीन प्रकार के दुख संसार के अंदर सुने जाते हैं, सांख्य दर्शन के अंदर बताया, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख। तो जो परमात्मा के नेतृत्व में चलते हैं, परमात्मा को अपना नेता बनाते हैं और नेता के रूप में परमात्मा का अनुसरण करते हैं, परमेश्वर उनको त्रिशोकः बना देता है, अर्थात वो तीनों शोकों से पार हो जाते हैं और उनको क्या उपलब्धि होती है? अथर्वेद के एक मंत्र में बताया, त्रिशोकः शतम नृणीन आवहत कुत्सेन रथः। जिसने परमेश्वर को अपना नेता बनाया है, जो परमेश्वर के नेतृत्व में चला है, क्रियाकलाप जिसने किए हैं, वो सैकड़ों मनुष्यों को, शतम निरीनीन, सैकड़ों मनुष्यों को आवहत ढोता है, सन्मार्ग पे लाता है। उदाहरण दिया है किसके समान? जैसे विद्युत से चलने वाला रथ होता है, गाड़ी होती है, वो सैकड़ों हजारों मनुष्यों को ढोकर जाती है। इसी प्रकार से ईश्वर के नेतृत्व में चलने वाले को, ईश्वर से वो सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वो सैकड़ों मनुष्यों को सन्मार्ग पे ले आता है। और फिर मंत्र में बताया, एक इंद्रः पूरी दिनेषु यस्य इत होता। इसका अर्थ किया है, जिस मनुष्य ने बहुत दिनों तक ईश्वर की आज्ञा का पालन करके, ईश्वर की उपासना करके, ईश्वर से शक्तियां प्राप्त की है, तो ऐसा शक्ति को प्राप्त मनुष्य नरीनाम नर्यः नृतमः, मनुष्यों में श्रेष्ठ हो जाता है। बहुत दिनों तक ईश्वर की उपासना करके, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करके, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करके, और वो क्षमाशील बन जाता है। तो हम भी देवासुर संग्रामों में ईश्वर से नई नई शक्तियों को प्राप्त करें, नए नए ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें,
तीन प्रकार के शोकों से हम पार हो जाएं, तीन प्रकार के दुखों से पार हो जाएं और ईश्वर से शक्ति प्राप्त करके हम शक्तिवान सामर्थ्यवान बने, क्षमाशील बने, उसके लिए ईश्वर की आज्ञाओं को जानना आवश्यक है और उन आज्ञाओं को जानकर उसके अनुसार चलना।